हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव मेड अ स्ट्रैटेजी एंड राइट अप्रोच फॉर यू, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर सकते हो आप, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। बिफोर दैट, अन अकेडमी पे जुडिशरी का बैच स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ ऑन 28th of July। 3 बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड अन अकेडमी पे एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 मंथ अन अकेडमी आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, 18 मंथ्स पे आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री में प्रोवाइड करता है, 24 मंथ्स पे 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। ये जो ऑफर है ये 31st जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। एंड जो प्राइस है प्लस सब्सक्रिप्शन का, दीज आर द प्लान्स, यू कैन सी द प्लान्स, ठीक है। 1 मंथ से 24 मंथ्स अन अकेडमी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स प्रोवाइड कर रहा है। आपकी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान ले सकते हो। अगर आपको कोई भी प्लान इनमें से परचेज करना है तो आप ये कोड यूज़ करके, ठीक है, ये कोड यूज़ करके हमारे चैनल का सिर्फ आपको कैप्स लॉक में डालना है, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा एक्स्ट्रा इन पे। एंड अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो अन अकेडमी आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करने का देता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है सिलेबस का। सो एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अन अकेडमी पे, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में है। इसको भी अनलॉक करने के लिए सेम कोड यूज़ कर लेना, दैट इज़ वीबी लॉ। सो अगर आप लोगों को मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो इस बार 3 नए सब्जेक्ट्स उन्होंने, ठीक है, सिलेबस में आपके ऐड कर दिए हैं, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, देन सेकेंड इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013 एट वर्क प्लेस, ठीक है, थर्ड इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 1986। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ठीक है, सिलेबस में ये न्यू एडिशन हुई है आपके। सो इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है, कोई ज़्यादा, ठीक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है, ईजी वंस हैं। सो अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। सो फॉर प्री एग्ज़ाम, सबसे पहले आपको क्या करना है प्री एग्ज़ाम में, जैसे कि हम राजस्थान में, हमें पता है कि 70% वेटेज लॉ को है, ठीक है, एंड 30% वेटेज इज़ गिवन टू लैंग्वेजेस इन योर प्री एग्ज़ाम। सो 15 क्वेश्चंस फ्रॉम हिंदी यू विल गेट एंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश यू विल सी इन द एग्ज़ाम। दैट मीन्स कि अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको अपने लैंग्वेज पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क्स की लैंग्वेज है, दैट इज़ अ मेजर पार्ट, ठीक है। और पिछली बार जो लास्ट ईयर जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, तो 60 गई थी जर्नल की, ठीक है, कट ऑफ। उसके बाद आप कैटेगरीज में देखोगे तो एटलीस्ट आपको, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्ज़ाम की आपका कैसे जाता है, जो कट ऑफ है किस हिसाब से जाती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्कोर 70+ रखो, क्योंकि अगर आपका 70+ स्कोर आता है तो यू विल बी सेफ, ठीक है, आप सेफ हो। उस हिसाब से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आके एग्ज़ाम से अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन द लैंग्वेजेस पे, आपको फोकस करना पड़ेगा ग्रामर पार्ट पे, क्योंकि MCQs आते हैं 30 नंबर के, ठीक है, और 70 नंबर का लॉ है। तो मीन्स अगर आप लॉ में से 60 मार्क्स या फिर 55 मार्क्स 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो लैंग्वेज में अपने स्कोर करो, उस चीज़ को लैंग्वेज में अपना एज दो। और सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर आपकी हिंदी वीक है देन इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा कर लो, ठीक है, इंग्लिश वीक है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है। आपका मेन मोटिव क्या है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो मेंस में ऐड नहीं होते हैं, दैट इज़ ए क्वालिफाइंग, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, चाहे वो आप, अगर आपकी कट ऑफ 70 गई है, चाहे आपके 70 मार्क्स आए, यू नीड टू क्वालिफाई। एट द एंड आपका मोटिव क्या है कि आपको क्वालिफाई करना है इसको। सो उस हिसाब से अपनी फोकस ऑन द लैंग्वेजेस, ये मिस्टेक मत करना कि लॉ लॉ पढ़ते रहो, ठीक है, लैंग्वेजेस पे टोटल फोकस करो। नेक्स्ट इज मास्टर बेयरेक्ट्स। फॉर प्री एग्जाम यू नीड टू मास्टर बेयरेक्ट्स। बेयरेक्ट्स को मास्टर कैसे किया जा सकता है, यू नीड टू रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन, रीड द प्रोविजंस अगेन एंड अगेन, ठीक है, प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ो, बार बार उन प्रोविजंस को पढ़ो, इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली द इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्पॉर्टेंट पार्ट का कैसे आपको पता चलेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है,
हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन नहीं लर्न किया जा सकता है, हर प्रोविजन को नहीं, इतना सब कुछ है, इतने सारे सब्जेक्ट से नहीं आप ध्यान में रख सकते हो. सो देयर इज़ ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सब्जेक्ट्स. उसके लिए आपको एक आइडिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से मिल जाता है. ऑलवेज एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट अनइम्पॉर्टेंट है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको इसके लिए रिगार्डिंग भी वीडियोज़ चाहिए, टू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन एनालाइज दीज थिंग्स, सो दैट आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए. नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स. अब इसमें इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स कौन सी हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट आपकी रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स प्लस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे आपका एविडेंस है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कुछ सब्जेक्ट्स में लैंडमार्क जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए. जैसे अब हम नंदनी सप्तपदी की जो जजमेंट है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेज पीएल दानी 20 सब क्लॉज 3 को लेके आर्टिकल. सो ऐसी कुछ जजमेंट्स होती हैं लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको पता ही होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखना है. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दो तीन आ जाते हैं एग्जाम में, फिर वही आपको, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. सो यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर प्री एग्जाम के लिए. आपको इन चीज़ों को फोकस करना है. अगर मास्टर कर लोगे बेरेक्ट को तो प्री एग्जाम कहीं भी नहीं गया है. प्री एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्री एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग. दैट मीन्स, ठीक है, कि अपने 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है. फॉर मेन्स एग्जाम, इफ़ आई कम टू नाउ मेन्स एग्जाम, चाहे वो आपका लॉ पेपर 1 है, इसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं टोटली, ठीक है, लॉ पेपर 1, 2 जो है, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल का, ये 3-3 आवर्स के होते हैं, 3 आवर्स ईच पेपर. सो दोनों ही पेपर्स में आपको सिविल में ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग है, क्रिमिनल में आपको, ठीक है, वो चार्ज और जजमेंट राइटिंग है. सो कई स्टूडेंट्स को जजमेंट राइटिंग नहीं आती होती है, तो आपको एज वहाँ से आप लोग ले सकते हो. सो प्रैक्टिस जजमेंट राइटिंग, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के ऑर्डर्स वगैरह ले लो, ठीक है, उसको देखो कि कैसे लिखी जाती है जजमेंट राइटिंग, ठीक है, उसको एनालाइज करो कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन गेट अ एज ऑन दिस, ठीक है, आपको मार्क्स कहाँ से आप ज़्यादा ले सकते हो, उन चीज़ों पे हमेशा फोकस किया करो कि एक टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी रही होगी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है. ऑलवेज एनालाइज दैट एंड प्रैक्टिस इन राइटिंग. मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस राइटिंग में करनी चाहिए, क्योंकि आपका 3 घंटे का पेपर है, पेपर लेंथ ही होता है. अगर ऑब्वियसली आपने कभी लिख के देखा ही नहीं है, जस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूटी में यू आर जस्ट रीडिंग, ठीक है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में क्या होगा, एक तो कटिंग बहुत ज़्यादा करोगे, मिस्टेक्स करोगे, स्पीड नहीं इंक्रीज होगी. सो यू नीड टू प्रैक्टिस इन राइटिंग, ठीक है, जितना हो सके अपने जो क्वेश्चन हैं उनको, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स होती हैं आपकी मेन्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लिख के उन चीज़ों को देखा करो. नेक्स्ट इज इम्प्रूव वोकैबुलरी फॉर एसे पार्ट. अब यहाँ पे 2 पेपर्स आपके एसे के होते हैं, एक इंग्लिश एसे, ठीक है, हिंदी एसे, जो कि आपका 50 नंबर का होता है, ये 2 घंटे का पेपर होता है. देन इंग्लिश एसे, ठीक है, ये भी आपका 50 नंबर का है, देन 2 आवर्स का है. ये दोनों पेपर आपके 100 ईच के होते हैं, ठीक है. सो अब अगर 50 में से, ठीक है, आप स्कोर इजीली कर सकते हो 40 मार्क्स, 35 to 40 मार्क्स, ठीक है, इतने आपका स्कोर रखो. अब वो मार्क्स स्कोर करने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छा एक ऐसे अपना प्रिपेयर करना होगा, जो करंट लीगल इश्यूज चल रहे होते हैं, राजस्थान का कल्चर पे एक ऐसे आ ही जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, कि कौन से करंट इवेंट्स चल रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ कौन से हैं. सो उनके हिसाब से अपना एक ऐसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है, उन चीज़ों को फोकस में रख के मेक योर नोट्स, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. अगर नोट्स नहीं बनाओगे फिर एंड में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. प्री के बाद नहीं समझ में आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे नोट्स प्रिपेयर करें उन, ठीक है, 2 मंथ्स में, 45 डेज में. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी मच प्रॉब्लम. सो ऑलवेज अभी से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो. एंड अगर वोकैबुलरी अच्छी लिखी होगी ऐसे में, ऑब्वियसली द एग्जामिनर, ठीक है, इंप्रेस हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे देगा. अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई प्रोविजन पूछी हुई है. सो दैट विल, ठीक है, आपको एक आइडिया हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से होता है. सो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपना करना. रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, सपोज अभी 313 पे रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है सीआरपीसी पे, पावर टू एग्जामिन, थैंक यू. अगर 313 सीआरपीसी पे क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप वो जजमेंट वहाँ पे उस क्वेश्चन में लिख के आते हो, ऑब्वियसली आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे.
सो जो भी रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं उनको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे, सारी नहीं पढ़नी है, इतनी नहीं याद रख सकते, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे हैं वो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स लिख लो, ठीक है, ताकि आप लोग वो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है उसमें से कोई भी आप लिख सको. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेन्स एग्जाम. ठीक है, अब मैं आती हूँ, ठीक है, रोड टू सक्सेस. रोड टू सक्सेस क्या हो सकता है? द मोर यू विल रिवाइज द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट. जितना रिवाइज करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, इसमें प्री एग्जाम के लिए रिवाइज 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 रिवीजन करो जितनी हो सके. अगर एक बेयर एक्ट पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो नेक्स्ट डे. ये नहीं है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया पीछे वाला भूल गए. सो द मोर यू विल रिवाइज उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ही एमसीक्यूज सॉल्व करके देखो ताकि कॉन्फिडेंस आ सके. द मोर एक्यूरेट आंसर्स यू विल बी एबल टू राइट, उतने ही आपके एक्यूरेट आंसर्स आप लोग लिख सकोगे, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम में स्टक हो जाओगे. टाइम इतना नहीं होता है कि सोच सोच के लिखो आप लोग. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी हो सके उतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, उतने ही एमसीक्यूज सॉल्व करके देखो फॉर प्री एग्जाम. सो दिस इज द रोड टू सक्सेस फॉर राजस्थान जुडिशरी एग्जाम. सो आई हैव मेड एडेड अ दिस कोट टू सक्सीड इन योर मिशन. ठीक है, अगर आपको अपने मिशन में सक्सीड होना है यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन होनी चाहिए अपने गोल की तरफ. ये कहा था एपीजे अब्दुल, ठीक है, एपीजे कलाम ने. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग, ठीक है, अपने डेडिकेट होके अपना प्रिपरेशन करो. दिस इज ऑल अबाउट इट. ठीक है, डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है. इन एनी केस यू नीड एनी हेल्प. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. बाय बाय, टेक केयर.